मौदा पुलिस थाना अंतर्गत एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां महलगांव क्षेत्र में सुबह 7:30 बजे के दौरान पाई गई मूर्छित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जो 2 दिन पहले यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत संभाग से लापता हुई थी। इस घटना से स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दरअसल 19 अगस्त को यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत एक मतिमंद महिला के गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद चल रही खोजबीन के बीच 20 अगस्त को मौता पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले महलगांव क्षेत्र में नवनिर्मित कार्यालय के पास एक महिला मूर्छित अवस्था में पाई गई। बात की गंभीरता को समझते हुए मौदा पुलिस के WPS दस्ते द्वारा घटनास्थल पर कार्रवाई की गई, जिस दौरान पीड़ित महिला को पहले गुमथला प्राथमिक उपचार केंद्र तो बाद में मेयो अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राथमिक जानकारी के आधार पर महिला के साथ जबरदस्ती और अत्याचार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन असली कारण शव विच्छेदन के बाद ही पता चल पाएगा। इस घटना से यशोधरा नगर क्षेत्र दहल उठा है, जिसके चलते इस मामले के विरोध में स्थानीय निवासियों ने लगभग 300 की संख्या में यशोधरा पुलिस थाना का घेराव किया। मामले की आगे की जांच जारी है, जिसकी जानकारी दी मौदा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर नगराय ने। दिनांक 20 अगस्त ला सकाळी 7:30 ला आमच्या पोलीस स्टेशनला कॉल आला की एक महिला महालगाव येथील एका नौकर कंपनीच्या गेट जवळ एक सिक्युरिटीचं नवीन बांधलेलं ऑफिस आहे, तिथे एक महिला पडलेली आहे। तर आमची WPA साहेब प्रीतम पिंपळकर आणि स्टाफसह रवाना झाले, त्या ठिकाणी एक महिला जवळपास 32-33 वर्षाची मिळून आली, ती बोलण्याच्या स्थितीत नव्हती, त्यामुळे तिला लगेच गुमथळा प्राथमिक केंद्रामध्ये तिला उपचारासाठी दाखल करण्यात आले, डॉक्टरने रेफर केला, मेवोमध्ये दाखल करण्यात आले। त्यानंतर माहीत पडलं की सदरची महिला ही 19 ऑगस्टच्या रात्रीला पोस्टे यशोधरा नगर इथून मिसिंग झालेली, रात्री 9 वाजेच्या सुमारास, त्यानंतर तिच्यावर उपचारादरम्यान ती मृत्यू झालेली आहे, आज तिचं PM झालेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।